ध्यान देने योग्य जरूरी बातें समय निकालकर जरूर सुने। नंबर वन, मलाई से ज़्यादा घी निकालने के लिए मलाई में थोड़ा बर्फ़ डालने से मक्खन का गुच्छा बनकर तैयार हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन निकलेगा। नंबर टू, कभी भी घर में रसगुल्ला बनाने के लिए छेना निकालते तो उसका पानी फेंकें नहीं, इस पानी से आटा गूंथकर पराठे या पूरी बनाएं तो बहुत स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनते हैं। नंबर थ्री, इंस्टेंट चिप्स बनाने के लिए आलू को पतला काटकर ठंडे पानी में या कुछ देर के लिए फ्रिज में रखने से चिप्स बहुत खस्ता बनती है। नंबर फोर, फूल गोभी की सब्जी बनाने पर उसका कलर वैसे ही रखने के लिए दो छोटे चम्मच विनेगर डालने से कलर बहुत अच्छा रहता है। नंबर फाइव, बिना अंडे का केक बनाने के लिए केक का बैटर बनाते समय केले और दही का इस्तेमाल करने से केक स्पंजी और फ्लफी बनेगा। नंबर सिक्स, अगर हर बार भिंडी चिपचिपी बनाती हैं तो पकाते समय थोड़ा सा नींबू का रस और भुना बेसन डालने से भिंडी क्रिस्पी बनती है। नंबर सेवन, लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए लौकी को जिसके बाद जो पानी निकलता है उससे आटा गूंथकर पराठे बनाने से पराठा सॉफ्ट के साथ साथ पौष्टिक भी बनता है। नंबर एट, नींबू पानी बनाने का सबसे आसान तरीका, दो कप शक्कर, एक कप पानी और तीन चार नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाकर बर्फ़ की ट्रे में डालकर फ्रीजर में रखें। जब भी ज़रूरत लगे पानी डालकर एक नींबू वाला बर्फ़ डालकर स्वाद अनुसार नमक डालकर सर्व करें। ऐसा करने से अलग से बर्फ़ डालना नहीं पड़ेगा। नंबर नाइन, फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। पूरी बनाते समय पूरी बेलकर 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद तलने से ये तेल नहीं पीती हैं। नंबर टेन, रायता बनाने ते समय नमक ना डालें, जब सर्व करें तब नमक डालने से रायता खट्टा नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 11, कोई भी मिठाई बनाते समय उसमें थोड़ा सा नमक डालने से मिठाई का स्वाद उभर कर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 12, एक सब्सक्राइब ज़रूर से करें फ्रेंड्स चैनल को। दही को कोई भी सब्जी बनाते समय नमक उबाल आने पर डालने से सब्जी फटती नहीं है, तो दही की सब्जी बना रहे हैं या किसी सब्जी में दही का यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसे मतलब या तो गैस ऑफ कर दें या फिर उसे लगातार चलाते रहें। नंबर 13, चावल बनाते समय नमक और 7-8 बूंद नींबू का रस डालने से चावल खिलखिले बनते हैं। नंबर 14, आलू के पराठे बनाते समय मसाले में थोड़ी कसूरी मेथी डालने से स्वाद और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आलू के पराठे जब भी आप बनाएं कसूरी मेथी आप ज़रूर से ऐड करें, आलू का जो मसाला होता है बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। नंबर 15, अपने किचन कार्य के लिए योजना बनाएं और सभी काम में आने वाले उपकरणों को व्यवस्थित रखें। काम में आने वाले और सर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को निकाल कर और सामने रखें। ये कुछ किचन टिप्स हैं। नंबर 16, अपने किचन में तेज धार वाले चाकू रखें जिससे आप जल्दी और आसानी से सब्जियां काट सकेंगी और इससे आपका समय भी बचेगा। नंबर 17, खाना बनाने से पहले सारे ज़रूरी सामग्री तैयार रखें ताकि आपको खाना बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 18, फ्रेंड्स वीडियो को फुली देखें तभी समझ में आती हैं क्या टिप्स हैं। अगर एक भी टिप्स यूज़फुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर से करें। नंबर 18, अगर आप कुछ उबलने के लिए रख रही हो तो ध्यान रखें कि प्रेशर कुकर या पैन का ढक्कन बंद हो, इससे खाना जल्दी उबलेगा और आप गैस में भी बचत कर सकेंगी। नंबर 19, अगर आप मीट पकाने वाली हैं तो खाना बनाने से कुछ घंटे पहले मैरिनेट मसालों के मिश्रण में कुछ देर तक रख दें तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 20, अगर आप बेकिंग करने जा रही हैं तो ध्यान रखें कि ओवन कुछ देर पहले ही गर्म होने रख दें, इससे बाद में अपनी डिश उसमें डालें। नेक्स्ट देख लेते हैं 21, फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सब्जियों को उबालकर इस्तेमाल करने वाली हैं तो इसके लिए उबला हुआ पानी तैयार रखें, आपका काम आसान हो जाएगा। 22 देख लेते हैं, लहसुन की 10-12 कलियों को बारीक काट के एक चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे पानी निचोड़े दही में नमक, चिली फ्लेक्स और बारीक कटे धनिया के साथ मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी सैंडविच स्प्रेड और डिप तैयार है। 23, पुरानी या बासी ब्रेड को पीसकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें, बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करेंगे
वो टूटेंगे भी नहीं और स्वादिष्ट भी बनेंगे। 24 सही सामग्री सही खाना पकाने की विधि का उपयोग करें जिससे स्वाद बना रहे। 25 देख लेते हैं, खाना बनाने के बाद अपना सिंक और प्लेटफॉर्म जरूर साफ करें। नेक्स्ट देख लेते हैं 26, गठिया मक्के को एक दिन धूप में रखते हुए पॉपकॉर्न बढ़िया बनता है। तो अगर आपके पास में मक्के हैं, मक्के के दाने हैं, तो उन्हें धूप दिखा दें तो उससे पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे बनते हैं। 27, समोसे का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, इससे समोसे कुरकुरे बनेंगे। 28 देख लेते हैं, अगर पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर को तलकर थोड़ी देर गर्म पानी में रख दें, इसे पनीर के बाद में ग्रेवी के साथ पकाएं। पनीर की सब्जी अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी। तो होता है कभी जैसे पनीर हम बनाते हैं तो पनीर हार्ड हो जाता है, उसके लिए भी ये टिप्स अच्छा रहता है, पानी में भिगो करके रख दें। 29, किसी भी सब्जी की ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्याज लहसुन अदरक व भुने हुए बादाम को पीसकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट का उपयोग ग्रेवी में करने के से सब्जी स्वादिष्ट लगती है और पौष्टिक भी होती है। तो 29 टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इनमें से यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें से एक भी टिप्स यूजफुल लगी है, काम आने वाली लगी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आप में को कोई भी टिप्स आती है, अच्छी होती है, तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।